एक बार फिर से चीन ने नापाक हरकत दी है। सीधे दिखाएं ब्रेकिंग। इस वक्त की सिक्किम के नाकुला में चीन और भारत के सैनिकों में झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को रोका तो हुई झड़प। भारतीय सेना ने कहा मामूली संघर्ष को स्थानीय स्तर पर कमांडर्स ने निपटाया। चीन की एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ हमले की रणनीति जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, यह विजुअल्स के साथ दिखाएं जरा तस्वीरें। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरे संघर्ष के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना का कहना यही है कि सिक्किम के नाकुला इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने इस बात को लेकर कम से कम स्वीकार नहीं किया है कि इस झड़प में कितने सैनिक घायल हुए चीन की तरफ से, या फिर क्या हमारे भी सैनिकों को चोट आई है या नहीं। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है माइनर। लेकिन निशांत, यहाँ पर हम अपने दर्शकों के सामने कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। वो ये है कि भारत चीन की ये जो सीमा है, ये सीमा तय की हुई है, यानी कि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन सी सीमा भारत की है, कौन सी सीमा चीन की है। ऐसी स्थिति में चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया। वहां पर अलर्ट और मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने पूरी जांबाजी दिखाई, धक्का मुक्की हुई और चीनी सैनिकों को खदेड़ने में वो कामयाब हुए। और ये घटना 3 दिन पहले की है, जिसको लेकर जब आज ये सामने आया तो भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन की सैनिकों ने ये हरकत तब की जिस दिन की दोनों देशों में ये तय हुआ था कि अगले दिन 9वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत होगी। तो अब अगर पूरे सीक्वेंस को देखें तो मामला बेहद गंभीर बनता है। एक ऐसा इलाका जो पहले से तय है कि यहाँ पर कौन सी भारत की सीमा है, कौन सी चीन की सीमा है, वहाँ चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, उस दिन घुसपैठ की कोशिश की। मनीष मेरे साथ रुके, अगले मेरे साथ आप बने रहिए। मनीष अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।